मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा, कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम। कल किसान सभा में सीएम शिरकत करेंगे, प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद, वहीं बाबा विश्वनाथ की भी दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो अब आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कल बनारस भी जाएंगे प्रियंका गांधी, किसान सभा है उसको संबोधित भी करेंगी, वहीं उसी में शिरकत करने के लिए जाएंगे प्रियंका गांधी भी साथ में होंगी और बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। उससे पहले आज छत्तीसगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे कुछ देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली का दौरा, कुछ देर में दिल्ली के लिए होंगे रवाना, कल बनारस जाएंगे, प्रियंका गांधी भी साथ में होंगी और आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। किसान सभा है और उसी में शिरकत करने के लिए जाएंगे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। सत्या राजपूत हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्या, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना और कल बनारस भी जाएंगे। जी देखिए, अभी बनारस से रवाना होने के लिए सीएम भूपेश बघेल हैं और कुछ ही देर में 8 बजे के फ्लाइट लेंगे और दिल्ली में वहां पे वो रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद बनारस में जो किसान रैली जो आयोजित की गई है उसमें शामिल होंगे, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं और जो पिछले 11 महीने से लगभग जो किसानों का आंदोलन जारी है इसको लेकर वहां पे रैली निकाली जाएगी और वहां पे जो कानून है उसको रद्द करने की मांग को लेकर ये रैली आयोजित की गई है। वहां पे जानकारी के मुताबिक वहां पे तमाम बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी मौजूद रहे, हाईकमान के नेता भी वहां पे रहेंगे। जी बार बार अब ये देखने को मिल रहा है कि भरोसा हाईकमान का भूपेश बघेल पर बहुत बढ़ता जा रहा है, कई जिम्मेदारियां उनको सौंपी जा रही हैं। अब दिल्ली एक बार फिर वो जा रहे हैं, इससे पहले लखीमपुर खीरी भी गए और इससे पहले उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ पर्यवेक्षक उनको बनाया गया और अब बनारस भी जाएंगे कल। देखिए, जिस तरह से उनके कार्य है और किसानों के जो छत्तीसगढ़ में उदाहरण पेश किए हैं और छत्तीसगढ़ के मॉडल के रूप में दूसरे जगह में वो उतारने की कोशिश की जा रही है, चूंकि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ में काम किए हैं उसको कांग्रेस जहां जहां चुनाव है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां भी जो उनका छत्तीसगढ़ के जो दिखाना चाह रहे हैं इसी को लेकर जो कमान की बात सामने आ रही है और वहां से जो जिम्मेदारी दी गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्या आपका तमाम जानकारी देने के लिए।